वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। अपनी फंक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने वाले हैं डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। अब भाई ये क्या चीज है? इफ वी कॉल द फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, बिना आर्गुमेंट के, इट यूजेस द डिफॉल्ट वैल्यू। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने फंक्शन को वैल्यू नहीं देते हैं, विदाउट आर्ग्यूमेंट भेज देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू चली जाती है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, क्या होता है? इधर दिया हुआ है डेफ माय फंक्शन कंट्री नॉर्वे, प्रिंट आई एम फ्रॉम कंट्री। ठीक है, तो माय फंक्शन स्वीडन, इंडिया, फंक्शन ब्राजील। मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल करके, तब आपकी बात समझ में आएगी। डेफ मैंने क्या करा, सम, और इधर ए कॉमा बी नाम का, और बी को मैंने वैल्यू दे दी है 90। ठीक है, ध्यान से देखना आपने। और मैं इधर प्रिंट कर दूंगा, ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ी सा और इसको बड़ा बनाते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट सी। ठीक है, अब हमें फंक्शन को करना है कॉल। मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, फंक्शन का नेम सम, ब्रैकेट स्टार्ट, ए को मैं पास करता हूँ 10 कॉमा बी को मैं पास करता हूँ 20। So, अभी a जो जाएगा a के रेस्पेक्ट में जाएगा, 10 जो जाएगा a के रेस्पेक्ट में, और 20 जो जाएगा b के रेस्पेक्ट में। कंट्रोल s F5, तो आंसर आना चाहिए 30। बिल्कुल सही आ रहा है, 10 और 20। अब कभी कभी क्या होता है, हम अपने फंक्शन को एक वैल्यू पास नहीं करते। सपोज मैंने दूसरी बार फंक्शन को कॉल किया, मैंने बस यहाँ पर आपकी वैल्यू 100 पास की, तो अभी क्या होगा, a को तो 100 मिल जाएगा बट b जो है डिफॉल्ट को ले लेगा। जब मैं कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा तो वहां पर क्या होगा, वो डिफॉल्ट को यूज कर लेगा। अगर पास कर दी है वैल्यू तो जो वैल्यू पास करी है उसको यूज करेगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट वैल्यू उठा देगा। कंट्रोल एस F5, आप देख पाएंगे, ये देखिए 190 आ रहा है। कैसे, इधर तो 10 और 20 ऐड हुआ, 30 आया, और इधर का क्या हुआ आपका 190, कैसे आया, 100 तो ये हो गया, ए को मिला, और बी की डिफॉल्ट वैल्यू थी 90, तो a प्लस बी एड हुआ 190 आपका आंसर आ रहा है। तो सिंपल मैं कह सकता हूं, अगर हम वैल्यू पास करते हैं तो जो वैल्यू पास करी है वो अप्लाई होगी, अदरवाइज वो डिफॉल्ट वैल्यू को उठा लेगा। कोई ज्यादा हार्ड इसमें कोई रूल ऐसा है नहीं, बस आपने इतना ही समझना है, अगर वैल्यू पास करी तो ठीक है, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू को उठा लेगा, बात खत्म। तो आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक है हमारा लास्ट, पासिंग ए लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। तो क्या कह रहा है, मैं लिस्ट भी पास कर सकता हूँ। लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। यू कैन सेंड एनी डेटा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन, स्ट्रिंग, नंबर, लिस्ट, डिक्शनरी, etc, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज द सेम डेटा टाइप इनसाइड द फंक्शन। इफ यू सेंड ए लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट, इट विल स्टिल बी ए लिस्ट व्हेन इट रीच द फंक्शन। तो इधर क्या कर रहा है, देखो, डेव माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन है, ये पैरामीटर नाम का है फूड, फॉर एक्स इन फूड, इन्होंने फूड को चला है, प्रिंट एक्स, और ये लिस्ट है फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, चेरी, फंक्शन को कॉल किया, माई फंक्शन फ्रूट्स पास कर दिए। तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हम कैसे बनाएंगे, एक आसान तरीका है, डेव लिखना है कोई भी फंक्शन को बनाने से पहले, और अभी मैं लिख देता हूँ, डेव फंक्शन का नेम रखते हैं समवन ब्रैकेट, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ एफ, जो पैरामीटर की तरह काम करेगा, प्रिंट में अभी मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे माइंड में कुछ नहीं। आपने भी काम ऐसे ही करना है, ठीक है, आपने एक लिस्ट बनाई एल नाम से, लिस्ट का आपको पता ही है फंक्शन क्या काम करता है, ठीक है, मैंने लिस्ट में इतने एलिमेंट ले लिए। अब मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा, कैसे, सम वन मेरे फंक्शन का नाम है, और जो ये एल है लिस्ट, ऐसे एक ही आर्गुमेंट की तरह ट्रीट की जाएगी पूरी लिस्ट, तो मैं एल लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एस, F5 प्रेस करता हूँ, कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी प्रिंट कुछ नहीं किया, तो प्रिंट मैं कर देता हूँ F, आप देख पाएंगे, देखिए क्या होगा, पूरे के पूरे आपके एलिमेंट शो कर रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सम वन, मैंने एल पूरी की पूरी लिस्ट एज ए आर्गुमेंट पास कर दी, और ये एज ए आर्गुमेंट किसको मिला, एफ को, और प्रिंट एफ करूंगा तो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि सर लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट है, मुझे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है, सर मैं 30 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो
सीरीज जो आपकी पूरी लिस्ट है किसके पास है, ऐप के पास है। तो आप पूछिए ऐप के सेकंड इंडेक्स में क्या है, ठीक है। तो कंट्रोल एस F5 30, तो देख लेते हैं ऐसा है या नहीं। देखिए बिल्कुल 10 0 पे है, 21 पे, 32 पे, तो बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है। गाइस ये थे हमारे फंक्शन, तीन पार्ट में हमने कंप्लीट किया है, आपने तीन के तीन पार्ट देखने हैं, और इसके बाद हम लेंगे फंक्शंस की कुछ एक्सरसाइज जो आपकी बोर्ड में आने वाली है। तो सबसे पहले आपने लॉजिक देखना है, और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप ये समझ गए तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।